यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेश कर दिखाए। बाहर आने दो मुझे। बाहर तो तुम्हें तभी आने दूंगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे। अभी भी संदेह है मूषक जी, ये किसी भूत पिशाच का कृत्य नहीं है। मूषक जी, जैसे चूल्हे से निकले कोयले पूर्व में अकस्मात आए थे, वैसे ही लुप्त भी हो गए। और जहाँ तक पत्तों से वृक्ष के जुड़ाव की बात है, ये भी किसी का छलावा ही है। नहीं नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं कि ये किसी भूत पिशाच की शक्ति ने किया है। यदि सत्य में ही कोई भूत पिशाच है तो वो उस वृक्ष के मध्य में से उस नन्ही छिद्र से चट्टान निकाल कर दिखाए। वो छिद्र, क्या कह रहे हैं प्रभु? इतने नन्हे से छिद्र से इतना विशाल छत्ता कैसे? समय आ गया है उस पिशाच को बंदी बनाकर उसकी सत्यता जानने का। चलिए उचित है, यदि कोई भूत पिशाच है तो इस पोटली के भीतर प्रवेश कर दिखाए। उसके पोटली में समाते ही ये पोटली भूल जाएगी मूषक जी। हाँ, फिर मैं भी मान लूंगा। देखा मूषक जी, यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है। मैंने कहा था ना, ये मात्र भ्रम है। अभी प्रमाणित कर देता हूँ। ले लीजिए मूषक जी, जो भी भूत पिशाच था और जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, उसे हमने इस पोटली में बंद कर दिया है। मुक्त करो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, छोड़ो। नहीं प्रभु, उसे बाहर कदापि मत आने दीजिएगा प्रभु। बाहर तो तुम्हें तभी आने दूंगा जब तुम बाहर आकर हमारे समक्ष अपना वास्तविक रूप उजागर करोगे। उचित है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना वास्तविक रूप। छोड़ो, उसे मुक्त मत कीजिएगा। हम किसी भूत पिशाच का कथन कैसे स्वीकार कर लें प्रभु? भूत नहीं, पिशाच हूँ मैं, और पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। मुझे मुक्त करो। ये जो भी है सर्वथा उचित कह रहा है मूषक जी, क्योंकि भूत पिशाच अपना वचन अवश्य निभाते हैं। इसलिए मैं इसे मुक्त करता हूँ। अब सब आपके ऊपर है प्रभु। Ha ha ha!
कैसा लगा मेरा ये वास्तविक स्वरूप? और ये भी ज्ञात कर लो, मैं जैसा हूँ उसका कारण तुम हो। तुमने ही मुझे इस भयंकर गुरुप स्वरूप में परिवर्तित किया है। मैंने वो कैसे? रुक जाओ दोस्त। कुमार कार्तिक जी भैया यहाँ और इतने क्रोध में? मेरे भ्राता को हानि पहुंचाने आए हो तुम? मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये पिशाच अपनी अवस्था के लिए पूर्व में ही मुझे उत्तरदायी मान रहा है और अब भैया इस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। भैया तो बहुत आक्रामक मुद्रा में और प्रतीत हो रहा है जैसे ये पिशाच भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्त, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कितने बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हो? किससे उलझ रहे हो? ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश है। भैया रुकिए। नहीं गणेश, आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस दुष्ट उद्दंड पिशाच पर अपना प्रहार अवश्य करूंगा मैं। आइए, क्यों नहीं, कीजिए प्रहार कीजिए। आप ही मेरा वध कर दीजिए जैसे पूर्व में आपके भ्राता ने किया था। उसी प्रकार आप ही मेरा अंत करने का आनंद लीजिए आनंद लीजिए। गणेश के हाथों इसका अंत हुआ था? मैंने इसका वध किया? कौन है ये? मैं वैसे भयभीत हो रहा था, ये पिशाच युद्ध नहीं करना चाहता, ये तो बस छुपते हैं प्रभु से, किंतु फिर ये चाहता क्या है? क्यों, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अपने दंड का वार करो ना, करो, यही शेष रह गया था। ये भी पूरा कर लीजिए आप। मुझे भली भांति ज्ञात है गणेश जी कौन है और कितने सम्मानीय है। मुझे पुनः उनके समक्ष आने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ा। कौन है ये पिशाच? किंतु पिशाच, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे, मुझे क्यों हाथ करना चाहते थे तुम? पिशाच हूँ, कुछ तो अवश्य सताऊंगा ना। और वैसे भी मैं ये सब कुछ गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा था। वैसे तो ये भी सत्य है, तुम अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होते हो। इस पिशाच का कोई विश्वास नहीं, कब मेरा आहार करने पुनः मेरे पीछे पड़ जाए, मैं तो प्रभु के पीछे सुरक्षित हूँ। अच्छा अब रुको, तुम मूषक जी से वार्तालाप करने तो यहाँ नहीं आए हो ना, तो अपना परिचय दो, बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं अपना परिचय अवश्य दूंगा गणेश जी, किंतु उसके पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी सहायता करेंगे। गणेश, हमें सचेत रहना चाहिए, इससे इसका परिचय प्राप्त किए बिना हमें इसे किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं देना चाहिए। भैया, मुझसे सहायता प्राप्त करना यदि इसके लिए आवश्यक नहीं होता तो ये इस प्रकार यहाँ आकर मुझसे सहायता की गुहार नहीं लगाता भैया। और फिर ये जो भी है यहाँ मेरे शरणार्थी के रूप में आया है, और जो हमारी शरण में आकर हमसे सहायता मांगते हैं उनका सहायक बनना तो हमारा धर्म और कर्तव्य है ना भैया?
उचित कहा आपने, उचित कहा। सर्वथा उचित कहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया है, आप मेरी सहायता करेंगे और मेरी सहायता करना आपका आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसीलिए तो मैं आपसे आपका वचन मांग रहा हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यदि तुम मुझे अपना उचित परिचय दोगे तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करने से कदापि पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा वचन है। उचित है फिर, आप मुझे मेरे इस रूप में पहचानने में असमर्थ हैं। मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानारी? आपने मेरा वध किया था। ज्ञानारी? त्रिलोक विजेता असुर राज ज्ञानारी के पुत्र को इस प्रकार धरती पर बिठाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इतना अहंकार था मुझे अपने बल पर, स्वयं को संसार का नवीन ईश्वर घोषित किया था मैंने। अब देखिए, देखिए मुझे, उसके परिणाम स्वरूप क्या दुर्दशा हो गई है मेरी। तुम जैसे योग्य थे वही परिणाम हुआ है तुम्हारा, अपने पापों के कारण ही ऐसी अवस्था हुई है तुम्हारी, उसके लिए तुम गणेश को दोष नहीं दे सकते। मैं कहां गणेश जी को दोष दे रहा हूँ कुमार कार्तिकेय, मैं तो मात्र इतना कह रहा हूँ कि गणेश जी ने मेरा वध किया और मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे पुत्र ने मेरे अंत के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया। इसलिए मेरी आत्मा, अरे कहाँ चला गया ये ज्ञानारी? ये दुष्ट अचानक अदृश्य क्यों हो गए? कदाचित हमें सावधान रहना चाहिए। ये मेरी आत्मा, तभी से मेरी आत्मा। और इसी प्रकार भटकते भटकते मैं पिशाच बन गया हूँ। किंतु तुम्हारे इस अवस्था में गणेश कोई सुधार कैसे ला सकता है? मेरा वध? मेरा वध? वो प्रथम पूज्य है, वो अवश्य कुछ कर सकते हैं। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, आप दोनों के निकट भटकता रहूंगा। ये कैसा विचित्र संकट बनकर हमारे पीछे पड़ गया है? संकट नहीं कुमार कार्तिकेय, पिशाच, बस वही आपके पीछे पड़ा है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञानारी, मैंने तुम्हें सहायता का वचन दिया था तो वो मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। किंतु अभी कब करेंगे? सर्वप्रथम मुझे ये तो ज्ञात करने दो कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। और ये आप कब ज्ञात करेंगे? अभी ना, अभी अभी ना। भैया क्या ये ज्ञानारी सत्य कह रहा है? क्या अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध के बिना मृत आत्मा को पिशाचियों नहीं प्राप्त होती है? हाँ गणेश, किंतु ऐसा मात्र उन आत्माओं के साथ होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों पाप कर्म किए हों। जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की निंदा में व्यतीत करता है। मूर्ख बालक, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को खंडित कर देता हूँ। स्वयं से दुर्बल जीवों पर अत्याचार करता है। अपने कर्म एवं अपने धर्म का उचित पालन नहीं करता। चौर्य कर्म करता है, असत्य वचन बोलता है।
स्वयं के चरित्र के पतन का उत्तरदायी होने के साथ साथ वो अन्य सभी के साथ भी दुराचार का व्यवहार करता है। उसका यदि अंतिम संस्कार उचित प्रकार से ना हो, पूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध न किया जाए, तो उसकी मृत आत्मा भटककर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि में परिवर्तित हो जाती है। अब तो आपको कुमार कार्तिकेय के इन वचनों से सब कुछ स्पष्ट हो गया प्रभु। अब मुझे शीघ्र मुझे मुक्ति दिलाइए। मैं आपका शरणागत हूँ प्रभु। मुझे दिया वचन पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए अपना वचन प्रभु। ज्ञानरी, यदि तुमने पूर्व में ही गणेश की प्रभुता को स्वीकार कर उसकी शरणागत हो गए होते, तो आज तुम्हें इतने कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। भैया, ये पिशाच योनि में क्यों है, ये तो मुझे स्पष्ट हो गया है, किंतु अब ज्ञानारी को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसका भी तो उपाय सुझाइए। काशी, काशी। एकमात्र काशी ही वो पुण्य स्थली है जहां ये संभव है। मोक्षदायिनी काशी में तो सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उचित है भैया, तो आप ये भी बताने की कृपा करें कि काशी में ऐसा क्या विशेष है। काशी वो धर्म स्थली है जो पिताश्री महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। वो पावन नगरी है जिसका कण कण शिवमय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सृष्टि के पूर्व भी और प्रलय के उपरांत भी अपने स्थान पर स्थिर रहती है। वो काशी जिसकी रचना तो स्वयं पिताश्री महादेव एवं माँ आदि शक्ति ने की है। स्मरण करो गणेश, माता श्री महाकाली ने स्वयं अपने श्रीमुख से हम सभी को ये कथा सुनाई थी। ये उस समय की बात है जब प्रलय के पश्चात संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा था। तत्पश्चात पिताश्री महादेव एवं माँ आदि शक्ति ने अपना दिव्य अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। माँ की शक्ति और पिताश्री के तप से सृष्टि का प्रारब्ध हुआ। उस समय मात्र जल ही जल था जिससे अति बलशाली शेषनाग जी का उत्सर्जन हुआ, जिस पर स्वयं नारायण विराजमान थे और नारायण की नाभि से एक दिव्य दंडिका उत्पन्न हुई जिसके अग्र भाग के एक कमल के पुष्प पर ब्रह्मदेव विराजमान थे। नारायण को जगत के पालनहार होने का दायित्व संभालना था, किंतु वो गहन निद्रा में लीन थे, जिस निद्रा से उन्हें जागृत करने हेतु माता महामाया ने दो असुर मधु और कैटअप को उत्पन्न किया, और वो दोनों माता महामाया के आदेश पर विष्णुदेव से युद्ध करने निकले, और तब उनकी दृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ी। वो ब्रह्मदेव का उपहास करने लगे। उठिए नारायण, नारायण। ब्रह्मदेव ने नारायण को पुकारा और नारायण निद्रा से बाहर आ गए। फिर उन्होंने मधु और कैटअप का वध किया। इन दोनों असुरों के तन के अवशेष जल में गिरे और दोनों के जुड़ाव से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो क्रमशः ठोस होती गई। तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने महादेव की अर्चना कर उनसे विनती की कि वो एक ऐसे स्थान को उत्पन्न करें जहां उनके सभी भक्त, जिसमें विष्णुदेव और ब्रह्मदेव भी सम्मिलित होकर उनकी प्रार्थना कर सके। और तभी और इस प्रकार महादेव ने काशी को उत्पन्न किया, जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। तो भैया,
क्या काशी जाकर इस पिशाच की मुक्ति संभव हो जाएगी? हाँ गणेश। ईश्वर जीवन देते हैं तो मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, किंतु प्राणी का कर्म उसकी मुक्ति का द्वार खोलता है।